छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीएम का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर मंथन शुरू हो गया है। मंथन भी ऐसी कि तेज घमासान। इस बीच बीजेपी के केंद्रीय टीम ने सीएम चुनने के लिए पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा भी कर दिया है। वैसे आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में पिछले बार कांग्रेस पार्टी की ओर से सीएम चेहरा को लेकर के जो घमासान हुआ था, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अब पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल, पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को ऑब्जर्वर बनाया गया है, जो रायपुर पहुंचकर बीजेपी नेताओं से चर्चा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। अभी तक मुख्यमंत्री के लिए जो नाम सामने आए हैं, उसमें आदिवासियों की ओर से रेणुका सिंह और विष्णु देव साय का नाम है, तो वहीं साहू समाज की ओर से अरुण साहू का नाम है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाम भी लिस्ट में शामिल है। आपको यहां पर बता दें, आदिवासी समाज प्रमुखों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर रेणुका सिंह या फिर विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। तो साहू समाज ने भी नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अरुण साहू को मुख्यमंत्री बनाने की मांग किया है। वही खबर यह भी मिल रही है, सतनामी समाज की एक संगठन ने नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है, जिसमें सतनामी समाज के धर्मगुरु और आरंग के विधायक खुशवंत साहब को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, वह किन किन मापदंडों के आधार पर मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करेंगे।